एक गिलास बड़ा सा पानी भी रखते हैं, ठीक, वो भी फ्रिज का ठंडा पानी। हम लोग का ठंडा पानी बड़ा मजा आता है, ठीक। मैं करीब काफी कंट्री घूमा, बुलेट ट्रेन तक का घूमा, वहाँ भी गर्म पानी मिलता है। गर्म पानी शरीर को बहुत फायदा करता है, वो एनर्जी लेवल को बढ़ा के रखता है। तो पहली बात तो हम लोग गर्म पानी पीना इस्तेमाल कर लें, ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। अगर जिसको हेल्दी रहना है उसके लिए बात कर रहे हैं, और जिसको बीमार रहना उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अग्निपथी जिसको बोलते हैं जठराग्नि, और हमने खाने को खाने के साथ में पानी ले लिया, तो जो अग्नि थी जो प्रज्वलित हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ चाइना टॉयलेट की दो लकड़ी से खाना खा लिया, हमारे यहाँ तो ठीक वो भी चबाते नहीं है, ढंग से खाते नहीं है। खाने को इतना चबा के खाना चाहिए जो हाथों को जरूरत ना पड़े काम करने की। खाने को इतना चबा के खाओ, खाने को पानी बना दो, वो खाना आपको ज्यादा फायदा करेगा। लेकिन आपने फटाफट खाया तो हाथों पे लोड पड़ा, हाथों को पचाने में दिक्कत हुई, ऊपर से आपने पानी पी लिया, तो पानी पी लिया तो स्प्रिंग फैल गई, इससे पेट निकल जाएगा, ठीक। जो लोग पानी खाना खाने के बाद पानी पीते हैं ऐसे हो जाते हैं, ठीक, तो बीमारी हो जाती है उनको। तो खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर पानी पिएंगे खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा। जब खाना सड़ेगा तो क्या बनेगी, कोई चीज सड़े तो क्या बनेगी, गैस बनेगी, ठीक। आप ये सोच लो गैस अगर बनना चालू हो गई तो हम लोग बोलते हैं वायु, जैसे आयुर्वेद बोलते हैं कफ पित्त और वायु, शरीर में हवा भर जाएगी, शरीर फूल जाएगा, स्वेलिंग वेलिंग हो जाएगी। तो गैस जब बनने लगेगी तो आप किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर साहब आपको क्या देंगे, दवाई, दवाई का मतलब दबाओ, दवाई का मतलब ठीक नहीं होगा, दवाई का मतलब आपने ऐसी लाख खाया, आपने उसको खाया, नीचे को दबा रहा, फिर आपने भोजन लिया, खाना खाया, तो गैस को दबा दिया गया। तो पहली बीमारी गैस की इकट्ठा हुई। अब ये जब खाना सड़ेगा तो शरीर में भी फैलेगा, जब ये फैलेगा तो ये जाके नसों में ब्लॉकेज को खड़ा करेगा, अब हाथ पैरों में दर्द होना चालू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत मतलब प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं आपको, ज्वाइंट में पेन होना चालू हो जाएगा। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि आप ऐसा करो, आप यूरिक एसिड टेस्ट कराओ। क्या कराओ, यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड बढ़ा, ये बहुत खतरनाक जहर है, जहां भी इकट्ठा होगा किडनी पे तो किडनी खराब कर देगा, लीवर खराब कर देगा, हार्ट प्रॉब्लम कर देगा। तो यूरिक एसिड की आप दवा लेने लगेंगे, आप यूरिक एसिड की दवा लेने लगेंगे। अब पहली गोली गैस की, दूसरी गोली यूरिक एसिड की, अब दो गोली तो घर में चलने लगी, तब तक तो काम चलता रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये गंदगी जाके जब ब्लड में चली जाएगी तो खून गाढ़ा हो जाएगा, जगह जगह क्लॉटिंग हो जाएंगे। जो भी आप भोजन करेंगे, क्योंकि ब्लड की एक छोटी सी इकाई भोजन पहुंचाने का काम करती है, तो जब नसें आपकी ब्लॉक होंगी तो वो न्यूट्रिशन उस पर्टिकुलर अंग तक नहीं पहुंच पाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करेगा बीपी, अगर बीपी है, ब्लड प्रेशर है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम है। जिसको भी ब्लड प्रेशर है ये दिमाग में सेट कर ले, अगर ये ब्लॉक है तो ये भी ब्लॉक है, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो बीपी और हार्ट की गोली आपकी स्टार्ट हो जाएगी, डॉक्टर ये कहेगा आप गोली बंद मत कर देना, अगर आप गोली बंद कर दी तो आपको फालिस अटैक हो जाएगा या हार्ट अटैक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही। बीपी क्या है, जैसे आप एक पाइप ले लो, टोटी ले लो और आगे का मुंह दाब लो तो वाटर का प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जो नसों में ब्लॉकेज है, जो एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल आप मान के चलो जो जमा है, वो खून गाढ़ा हो गया है, फ्लोटिंग हो गई है, थक्के हो गए हैं, तो जाकर के वो नसों में ब्लॉकेज करेगा। और ज्यादा अगर प्रेशर आएगा, ज्यादा अगर उसको तेज मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा तो फालिस अटैक या हार्ट अटैक हो जाएगा। जैसे पाइप को अगर मुंह से ज्यादा दाब लो तो क्या होगा, पीछे से फट जाएगा या निकल जाएगा, यही है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं, शुगर कोई, शुगर क्यों हुआ, क्योंकि शुगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, पैनक्रियास के पार इकट्ठा हुआ, पैनक्रियाटिक सेल्स को वीक किया, डैमेज किया, और आपको जो इंसुलिन बनना था वो नहीं बना, आपकी शुगर की गोली चालू हो गई। किडनी के पास इकट्ठा हुआ, धीरे धीरे किडनी के स्टोन बने, किडनी ने फिल्टर नहीं किया, धीरे से किडनी वीक होने लगी। तो जो जहां भी आपका न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुंचेगा, वही बीमारी जनरेट हो जाएगी। इसके बाद लास्ट में होता है बीएनडीएल, वेरी लो डिसेंट्री, मतलब शरीर में ब्लॉकेज हो गया, क्लॉटिंग हो गई, या तो हार्ट अटैक हो जाएगा या फालिस अटैक हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, आपका लीवर खराब हो जाएगा। तो
तो फिर आपको डॉक्टर बोलेगा आप बहुत देर कर दी, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। ठीक, कोई भी दुनिया का डॉक्टर अगर नसों में कोई दिक्कत है या इंडियन बैंक कोलेस्ट्रॉल जमा है तो इसको खत्म नहीं कर सकता। क्या करेगा, या तो स्टेंट डाल देगा, छल्ला डाल देगा, $3 का आएगा, 3 लाख रुपए ले लेगा, वेदांता उदांता तो 5-6 लाख में पहुंच जाओगे आप। ठीक, ये ब्लॉकेज खत्म नहीं कर सकता, या तो छल्ला डाल देगा या बाईपास कर देगा। तो मेन चीज है बचाओ, आपको जानकारी हो जाएगी तो आप बचे रहोगे, गुनगुना पानी पीते रहोगे, टॉक्सिस रिमूव होते रहेंगे और पानी मैक्सिमम पीना। लेकिन पानी कितना पीना है, खाने से एक घंटे पहले आपको पानी लेना चाहिए। ये खाना खाने के तुरंत पहले पानी नहीं लेना चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद पानी लेना चाहिए। 2 घंटे क्यों, क्योंकि 1 घंटे 45 मिनट प्रोसेस में लग जाता है। जब आपने खाना खाया फिर वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड से बीज बचता और हड्डी को जाएगा, तो टाइम लगता है 2 घंटे बाद और 1 घंटे पहले। वो भी पानी कौन सा पीना है, गुनगुना। तो कितने लोग कल से गुनगुना पानी पिएंगे, हाथ उठाए। खाने में मतलब बीमार रहना पसंद करेंगे। 90% बीमारियां केवल ठंडे पानी से होती है, आप समझिए बात को। अगर आपने आप कुछ मत करिए, ऐसे पानी रख दीजिए गैस में या थर्मस में, यही ले आइए और गुनगुना पानी पीजिए और कोई डॉक्टर के पास जाए तो मुझे बताइए। 90% बीमारियां केवल गुनगुने पानी से ठीक हो जाती है। आप जापान जाइए, रशिया जाइए, हांगकांग जाइए, फ्रांस जाइए, बोले ट्रेन में आपको गर्म पानी मिलेगा और वो लोग इस्तेमाल करते हैं, साथ में जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करते हैं, उनको पता रहता है। सिंगापुर चले जाइए, कितने लोग को पता है पर डे कैल्शियम कितना लेना चाहिए हमको, कितने लोग को पता है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब इंटेलिजेंट लोग हैं, सबको नौकरी मिली है, सब लोग अच्छा जॉब कर रहे हैं, कितने लोग को पता है कि हमारा आयरन, पहला आप बताइए कितना आपका आयरन होना चाहिए, नहीं पता। एक ही पता, सवेरे खाया निकल लो, मिला तो ठीक है, न मिला तो ठीक है, शाम को खाया तो ठीक है, न खाया क्या मतलब है कमाने का। अगर शरीर बीमार पड़ गया, चारपाई पे लेट गए, तो महिलाएं तो पुरुष साथ नहीं देंगे, पुरुष है तो महिलाएं साथ नहीं देंगे, आपको क्लियर बता दू। ऐसा है या नहीं है, 6 महीने अगर चारपाई पे लेट गए तो आप ये मान के चलिए बच्चे भी बगल से निकल जाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य सही है, आप हेल्दी हैं, तो आप अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से चलते फिरते, मरना तो सबको है, ऐसा नहीं कि कोई संजीवनी लेके आया है, मरना सबको है, क्योंकि सांसें निर्धारित है, चाहे इंसान हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे जानवर हो, चाहे भेड़, सबकी सांसें निर्धारित है। बीमार आदमी जल्दी जल्दी सांस लेता है, स्वस्थ आदमी नॉर्मल सांस लेता है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा समय तक हेल्दी रहता है। तो ये जो पैती हमने आपको बताया, समझ में आया गैस क्यों बनती है, क्लियर समझ में आ गया आप लोग को, आवाज नहीं आ रही, आ रही क्लियर। चलिए अब हम आपको बताते हैं उपचार। तो खाना खाने से 1 घंटे पहले और 2 घंटे, ये कल से नियम, और सुबह कम से कम 15 मिनट ताली बजानी। कोई हंसे तो हंसने दो, अपनी बीमारी आपको, क्योंकि पूरी दुनिया में